सबसे पहले तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप BGMI खेलते हो या फ्री फायर खेलते थे, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट न्यूज के बारे में। भाई फ्री फायर रिमूव हो चुका है प्ले स्टोर से, एंड मैक्स वाला जो वर्जन है वो अवेलेबल है। कुछ टाइम के बाद वो भी रिमूव होने वाला है। मैं आपको सारी की सारी लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो रहे हैं। बाय द वे ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, इंडिया में 54 एप्लीकेशन बैन हो चुके हैं जो चाइनीज है। ऐसा क्यों हो रहा है वो तो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि भाई कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज हैं एंड इंडिया में बैन हो रहे हैं। मैं आपको 2 घंटे पहले का ट्वीट दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है Garena Free Fire banned, here is the full list of the 54 banned Chinese apps। आपको याद है जब TikTok इंडिया में बैन हुआ था उसके साथ काफी सारे एप्लीकेशंस बैन हुए थे, एंड TikTok को सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया था, मतलब TikTok सबसे ज्यादा हाईलाइट था बिकॉज वो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर था। तो अभी के टाइम में जो 54 एप्लीकेशंस बैन हो गए उनमें फ्री फायर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाय द वे लिस्ट में सबसे नीचे नाम है। अब अगर मैं आपको एक एक एप्लीकेशन का नेम बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। आप खुद लिस्ट को देख लेना, कौन कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करते थे अब आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो भाई काफी सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, और भी कंट्रीज के हैं। वो एप्लीकेशंस क्या करते हैं, उनको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी परमिशन के बिना हमारा कोई भी डाटा अपने पास कलेक्ट नहीं करते। अगर हम उन एप्लीकेशंस को परमिशन देंगे तभी वो हमारा डाटा कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप गूगल मैप को ही देख लीजिए, जब हम लोकेशन वगैरह चेक करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है ओके करने का या नो थैंक्स करने का, तो वहां पे ऑप्शन आता है, हम अपनी परमिशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो। तो ये जो चाइनीज एप्लीकेशंस होते हैं ये हमारा डाटा हमारी परमिशन के बिना कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसका मिसयूज करते हैं। देखो भाई ऐसा होता है, हमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये भाई करते हैं इस तरीके से। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको तो भाई वही एप्लीकेशन दिखता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, भाई उनको ये भी दिखता है कि जो हमारा डाटा है इंडियंस का डाटा है वो चाइनीज वालों के पास जा रहा है, चाइना वालों के पास। तो इंडियन गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। और भी तो काफी सारी कंट्रीज है, उनका क्यों नहीं बैन कर देते। देखो भाई मेरे को जहां तक लगता है कि एक तरीके से सही है कुछ हद तक। तो यहां से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि किसी भी गेम के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड मत हुआ करो। आप फ्री फायर को लेकर चैनल बना लिए, सब कुछ फ्री फायर का कंटेंट, तो इस तरीके से तो भाई आपका धंधा बंद हो जाएगा। एंड काफी सारे बंदे बोल भी रहे हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को दिखता नहीं है क्या कि लोगों के मिलियंस में चैनल्स हैं जिनका फ्री फायर का कंटेंट है। भाई कुछ नहीं दिखता बाद में। तो ये ऑफिशियल न्यूज है, अब ये 54 एप्लीकेशंस इंडिया में नहीं रहेंगे, एंड इससे पहले भी कई सौ एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये सही किया या गलत, और आप फ्री फायर खेलते थे या BGMI खेलते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।